मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस बार हम पेश कर रहे हैं इस्लाम से पहले के हालात, अरब का महल्ले वकू। लीजिए समाअत फरमाइए, पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। इस हिस्से में इस्लाम से पहले अरब की कैफियत बयान करेंगे। लफ्ज़ अरब के लुग़वी माना सहरा और बेआबो ग्याह जमीन के हैं। आहद कदीम से ये लफ्ज़ जजीरा नुमाए अरब और उसमें बसने वाली कौमों पर बोला गया है। अरब के मगरब में बहर अहमर और जजीरा नुमाए सीना है। मशरक में खलीज अरब और जनूबी इराक का एक बड़ा हिस्सा है। जुनूब में बहरे अरब है जो दर हकीकत बहरे हिंद का फैलाव है। शिमाल में मुल्क शाम और किसी कदर शिमाली इराक है। इनमें से बास सरहदों के बारे में इख्तिलाफ भी है। कुल रकबे का अंदाजा 10 लाख से 13 लाख मुरब्बा मील तक किया गया है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम असलन इराक के एक शहर ऊर के बाशिंदे थे। ये शहर दरियाए फुरात के मगरबी साहिल पर कूफे के करीब वाक था। इसकी खुदाई के दौरान में जो कदबे बरामद हुए उनसे इस शहर के मुतालिक बहुत सी तफसीलात मंजर आम पर आई हैं और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान की बास तफसीलात मालूम हुई हैं। नीज मुल्क के दीनी और इज्तिमाई हालात भी सामने आए हैं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत करके शहर हर्रान तशरीफ ले गए थे और फिर वहाँ से फिलिस्तीन जाकर उसको अपनी दावती सरगर्मियों का मरकज बना लिया और दावत तबलीग के लिए यहीं से अंदरून और बैरून मुल्क आते जाते रहते थे। एक बार आप मिस्र तशरीफ ले गए। फिरौन ने आपकी बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की कैफियत सुनी तो बदनीयत हो गया। उन्हें बुरी नीयत से अपने दरबार में बुलाया, लेकिन अल्लाह ने सैयदा सारा की दुआ के नतीजे में गैबी तौर पर फिरौन की ऐसी गिरफ्त की कि वो हाथ पांव मारने लगा। उसकी नीयत बद उसके मुंह पर मार दी गई और वो इस हादसे की नौइयत से समझ गया कि सैयदा सारा अल्लाह की निहायत खास और मुकर्रब बंदी हैं। वो उनके इस वस्त से इस कदर मुतासिर हुआ कि अपनी बेटी हाजरा को उनकी खिदमत में दे दिया। फिर सैयदा सारा ने सैयदा हाजरा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन दोनों को लेकर फिलिस्तीन वापस तशरीफ लाए। फिर अल्लाह ने सैयदा हाजरा के बतन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक फरजंद अर्जुमन इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। सैयदा सारा बेऔलाद थी, इसलिए उन्हें बहुत गैरत आई और उन्होंने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि सैयदा हाजरा को उनके नौजाइदा बच्चे समेत जलावतन कर दें। हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि उन्हें सैयदा सारा की बात मानना पड़ी और वो सैयदा हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर हिजाज तशरीफ ले गए। वहां उन्हें एक बेआबो ग्याह वादी में उतार दिया। इसी जगह आज बैतुल्लाह है, उस वक्त नहीं था। सिर्फ टीलों की तरह उभरी हुई जमीन थी। सैलाब आता तो दाएं बाएं से कतरा कर निकल जाता था। वहीं मस्जिद हराम के बालाई हिस्से में जमजम के पास एक बहुत बड़ा दरख्त था। आपने उन दोनों को इसी दरख्त के पास छोड़ा था। उस वक्त मक्के में पानी था न इंसान।
इसलिए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक तोशादान में खजूरें और एक मशकीजे में पानी रख दिया। इसके बाद फिलिस्तीन वापस चले गए। उधर चंद ही दिन में खजूरें और पानी खत्म हो गया। सख्त मुश्किल पेश आई, मगर इस मुश्किल वक्त में अल्लाह के फजल से जमजम का चश्मा फूट पड़ा और उनके लिए खुराक का सामान बन गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो जुरहम कबीले से अरबी सीख ली। ये कबीला वहां पानी देखकर आबाद हो गया था। इस कबीले के लोग उन्हें पसंद करने लगे तो इन लोगों ने अपने खानदान की एक खातून से उनकी शादी कर दी। इसी दौरान में सैयदा हाजरा का इंतकाल हो गया। उधर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि अपना तरका देखना चाहिए। चुनाचे वो मक्का मुअज्जमा तशरीफ ले गए, लेकिन सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात न हुई। बहू से हालात दरियाफ्त किए, उसने तंगदस्ती की शिकायत की। आपने वसीयत की कि इस्माइल आए तो कहना अपने दरवाजे की चौखट बदल दें। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम इस वसीयत का मतलब समझ गए। उन्होंने बीवी को तलाक दे दी और एक दूसरी औरत से शादी कर ली, जो जुरहम के सरदार मुजाज बिन अम्र की साहिबजादी थी। उनकी दूसरी शादी के बाद एक बार फिर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के तशरीफ ले गए, मगर इस मर्तबा भी सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात न हो सकी। बहू से हाल पूछा तो उसने अल्लाह की हम्द और सना बयान की। आपने वसीयत की कि इस्माइल अपने दरवाजे की चौखट बरकरार रखें, और फिलिस्तीन वापस हो गए।